नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 9 की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान, उसमें हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट किया था और इस वीडियो में अब सिंधु घाटी सभ्यता से आगे का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का ही, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं। तो उस स्थल का नाम आपको बताना है कौन सा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आगे। तो सबसे पहला है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी हमने पढ़ लिया था। देखिए मित्रों, सिंधु घाटी जो वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता ही है, और वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। वैदिक सभ्यता पर अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आपको कहाँ मिलेगा, भारत का इतिहास नाम से जो यहाँ प्लेलिस्ट है इंडियन हिस्ट्री, उसमें आपको वैदिक सभ्यता का वीडियो मिल जाएगा। और भी कई वीडियो हैं, तो आपके जो भी और भी कई काम के हैं पूरी तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो वैदिक काल कहलाता है। इस समय में क्या हुआ था, एक तो वेदों की रचना की गई, और आप ये जो चार जो पढ़ते हैं वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सब भी आप इसी में पढ़ेंगे। ऋग्वेद की रचना की गई उत्तर वैदिक काल के अंदर, जो बाकी तीनों वेद हैं अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद, उनकी रचना की गई जो उत्तर वैदिक काल में, और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है। तो हम पढ़ते हैं इसमें ये सब चीजें आएगी। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान यानी उसके समाप्ति के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य कहकर पुकारा है। इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का संस्थापक व प्रसारक बताया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि वैदिक सभ्यता का विकास किसके द्वारा किया गया, आर्यों के द्वारा। आर्य आए थे मध्य एशिया से, कई मत हैं कि आर्य कहां कहां से आए थे, वो आप डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें एक मत जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, और वो ये है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया में देश कौन कौन से आते हैं तो आप बताइएगा, मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। और कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये आर्य भारत में बाहर से यथा उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत या यूरोप से आए, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। देखिए इसने लिखा जरूर है, लेकिन जो विश्वसनीय सबसे माना जाता है वो मध्य एशिया का ही माना जाता है। इससे यह भी सिद्ध है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की निरंतरता में ही विकसित हुई। इस वैदिक सभ्यता का वर्णन वैदिक साहित्य के विस्तार से आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुतः आर्य किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द नहीं है। मतलब आर्य क्या है, कोई जाति से संबंधित नहीं है कि आर्य कोई जाति है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आपने जब महाभारत या जो रामायण सीरियल देखे होंगे तो उसमें किसी को भी सम्मानजनक शब्द से पुकारना होता है, वो कहते हैं नहीं आर्य, नहीं आर्य, हाँ आर्य। तो आर्य ये है क्या, आर्य, आर्य कोई नाम नहीं है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समुचित व्यवहार करता हो विचार व वाणी में, विचारों में शुद्धता और पवित्रता रखता हो, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक भारत के ऐसे ही सुसंस्कृत लोग थे। ये वे लोग थे अथवा वह मानव समुदाय था जिसने तत्कालीन व्यवस्था व संस्कृति के उपयोगी पक्षों को अपनाकर अपने उन्नत रहन सहन को विकसित किया। इस जन समूह को यदि आर्य शब्द का संबोधन दिया जाता है तो यह वास्तविक तथ्य उद्घाटित होता है। एक तथ्य यह भी है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का अवसान भले ही हो गया हो, किंतु इस सभ्यता की अच्छाइयां सिंधु सरस्वती सभ्यता नदी से बाहर भी प्रभावी थी, और उन अच्छाइयों का विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में विकसित हुआ।
अब मित्रों मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि आपको लिखना क्या क्या है। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर साथ साथ बता दिया करो। अब देखिए इसमें फैक्ट वाली चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये आपकी नींव है ये। तो अब आपको इसमें लिखना क्या क्या है फैक्ट के रूप में, तो जैसे आपको ऊपर मैंने दो तीन पॉइंट बताए, एक तो आप इसका कालक्रम लिखिएगा कि कालक्रम क्या है वैदिक सभ्यता का, 1500 BC से 600 ईसा पूर्व, एक तो ये इसका कालक्रम है। और इसके बाद में जो किसके द्वारा विकास माना जाता है, आर्य के द्वारा। आर्यों का अर्थ क्या होता है श्रेष्ठ, और आर्य कहाँ कहाँ से आए थे तो आपको स्थानों का नाम लिखना है। तो ये तीन चार पॉइंट ही हैं जो अभी तक आपको इसमें लिखने हैं। अब आता है वैदिक साहित्य। आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। तो जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई थी, आर्यों के द्वारा। भारत में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता की जानकारी कराने वाले स्रोतों में प्रमुख स्थान वैदिक साहित्य का है। तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, शठ वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में आते क्या क्या हैं, वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं, शठ वेदांग है आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो मित्रों ये वेदांग कितना है, ये कई बार आपसे पूछ भी सकता है। जैसे शठ वेदांग, शठ वेदांग का मतलब है 6 वेदांग है। वेदांग से मतलब क्या है, यानी वेदों के अंग, और जो मतलब वैदिक ज्ञान के सोर्स हो या जिनमें वैदिक ज्ञान हो, तो 6 वेदांग माने गए हैं वेदों के अंग। कौन कौन से हैं आपको पता होगा, अपने हिस्ट्री में या हर जगह आपने पढ़ा भी होगा, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो ये 6 वेदांग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, इन्हें कहते हैं वेदांग। और कितने हैं ये टोटल, 6। तो ये कई बार एग्जाम में इनमें से भी पूछ लिया जाता है। अब आता है वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहला है राजनीतिक संगठन। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार क्या थे, परिवार, कई परिवारों से मिलकर के बनता था, ग्राम यानी गांव, और कई गांवों का समूह क्या कहलाता था, जन, और जन के नेता को क्या कहते थे, गोप, रक्षक या राजन, और राजन का निर्वाचन कौन करती थी, प्रजा। तो कौन सा सिस्टम हो गया, लोकतंत्र का सिस्टम, जनता के द्वारा चुनाव होता था राजा का। शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजन होता था। समिति, सभा और मंत्रणा यानी जो मंत्री परिषद नामक जनतांत्रिक संस्थाएं राज्य कार्य में राजन का सहयोग करती थी। तो ये पैराग्राफ जो है ये पूरा ही लिखने वाला है, अगर आप लिखना चाहें इसमें तो ये पूरा ही पैराग्राफ है लिखने वाला। तो ये आप समझ गए कि वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन का आधार क्या थे, परिवार, परिवारों से मिलकर के बनते थे गांव, तो फैमिली, फैमिली से मिलकर बनते थे गांव, विलेज, इनसे मिलकर बनते थे ये जन, और जन के जो नेता हैं वो क्या कहलाते थे, गोप, रक्षक या राजन, और शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा ही होता था। इसके बाद में देखिएगा आता है वर्ण व्यवस्था। तो वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण 4 माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर के किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित, जिसमें व्यक्ति की योग्यता व काया से उसका वर्ण निर्धारित होता था। ये योग्यता की बात कर रहे हैं, ये काया नहीं है, कार्य है ये। ये देखिएगा ये जो काया जो है ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये काया नहीं, यह है कार्य है। इस तरह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था, वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित था। तो मित्रों इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण है, ये पैराग्राफ भी सारा लिखने वाला है। एक तो वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
यहां एक लाइन देखिएगा, इस तरह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए, ऐसे देखिएगा, जैसे ये वैदिक काल है और वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल के अंदर किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। और उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? जो बाकी के तीनों ये वेद हैं, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद और अथर्ववेद। तो बाकी के जो तीन वेदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। अच्छा, और क्या क्या है? पूर्व वैदिक काल का जो समय है उसमें वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। अभी जो आपने वहां हमने लाइन पढ़ी कि इसका वैदिक काल का या वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप अच्छा था, प्रारंभिक स्वरूप से मतलब वो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छा क्यों था? कि यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। अब ये जरूर नहीं था कि जो ब्राह्मण की संतान है वो ब्राह्मण का ही काम करेगी, क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय ही बनेगी, ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए कोई वैश्य है यानी व्यापारी वर्ग, वणिक वर्ग, और इसमें अगर योग्यता है कि इसमें बाहुबल है तो यह क्षत्रिय बन सकता था, वर्ण बदल सकता था। जैसे कोई शूद्र है तो शूद्र में मान लीजिए ज्ञान है बहुत, तो वो ब्राह्मण वर्ण में आ सकता था। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं था। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, कार्य पर आधारित थी, योग्यता पर आधारित थी। लेकिन जो जो उत्तर वैदिक काल आता गया ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होगी? जन्म पर आधारित। और जब जन्म पर आधारित हो गई तो फिर समस्याएं समस्याएं हमारे सामने आएगी। क्यों? जैसे मान लीजिए एक शूद्र की संतान है लेकिन उसमें बहुत योग्यता है, और उस योग्यता के होते हुए भी अब वो अपना वर्ण नहीं बदल सकता, उसे भी शूद्र का ही कार्य करना पड़ेगा। शूद्र का कार्य यहां क्या माना गया था? कि बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। जैसे जो ब्राह्मण है इनका काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय है रक्षा करना, युद्ध करना, वैश्य का काम था व्यापारी वर्ग, जो वणिक वर्ग है, व्यापार करना, और शूद्र का कहते थे कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब जो शूद्र में अगर योग्य भी था तो भी उत्तर वैदिक काल के अंदर वो अपना वर्ण नहीं बदल सकता था। तो इस वजह से, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट आता है परिवार। समाज की मूल इकाई क्या था? परिवार। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी। परिवार में सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता था, उसे गृहपति कहा जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का बहुत सम्मान था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह एक अनुबंध ना होकर के एक धार्मिक संस्कार था। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था, यानी बाल जो विवाह है वो नहीं था। यहाँ पुत्र की भांति पुत्री को भी उस शिक्षा का अधिकार था। स्त्री शिक्षा को समुचित सम्मान दिया जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व गृहीता आदि विदुषी महिलाएं इसी युग में हुई। तो ये आप समझ गए, समाज की मूल इकाई परिवार थी, संयुक्त परिवार था। सबसे बड़ा कौन होता था? जो मुखिया पुरुष जो है वो मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे। स्त्री का भी बहुत सम्मान था, पर्दा परसा का प्रचलन यहाँ नहीं था, और विवाह परिपक्व अवस्था में था। पुत्री को भी समान शिक्षा का अधिकार था, उस शिक्षा दी जाती थी। कई विदुषी महिलाएं जो है वो हमारे सामने आती है, गार्गी है, मैत्रेयी है, गंधर्व गृहीता, इस तरह कई महिलाओं के नाम आते हैं। अब आता है आश्रम और संस्कार व्यवस्था। इसके बाद में देखिएगा, आता है आश्रम व संस्कार व्यवस्था। वैदिक काल में सामाजिक संचालन के लिए आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। मनुष्य की आदर्श आयु 100 वर्ष की मानकर जीवन को चार कालों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभाजित किया गया था। यह आश्रम व्यवस्था विश्व में जीवन प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है। मित्रों, ये चीजें आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी उस समय सार्थक थी, और आज इनकी सार्थकता कहीं अधिक है आज के समाज में। तो देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछता है वो,
कि आश्रम व्यवस्था का आधार क्या था? तो क्या है आश्रम व्यवस्था का आधार? आयु है। क्यों? 25 वर्ष तक जो है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद 50 वर्ष तक, 26 से 50, गृहस्थ आश्रम, जिसमें संतान उत्पन्न करना, ये विवाह करना, ये पंच यज्ञ, ये जो 3 ऋण होते हैं, इन ऋणों से मुक्ति, ये सब किस में है? इस गृहस्थ आश्रम में है। और फिर वानप्रस्थ आता है, और फिर लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। तो यह कई, इसमें कई क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बनते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आश्रम व्यवस्था के अंदर सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? तो फिर आप क्या करते हैं इसका? आप सोच लीजिए कि आपने क्या सोचा, अभी मैं बताने वाला हूं। जो आपने सोचा वो ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि चारों आश्रम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है। तो मित्रों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के बिना, इसीलिए विवाह को आवश्यक माना गया था यहां। तो गृहस्थ आश्रम इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन के श्रेष्ठ गुणों को पैदा करने के लिए उस काल में 16 संस्कारों का विधान था, जिसमें पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्यार्जन, ये 16 संस्कार माने गए हैं। तो ये भी आवश्यक थे। फिर आता है भोजन, वेशभूषा और मनोरंजन। वैदिक काल के लोग भोजन में क्या खाते थे? जो, गेहूं, चावल, उड़द, दूध, दही का विशेष प्रयोग करते थे। आज भी हमारा सबसे मेन भोजन कौन सा होता है? हम सभी का यही होता है, गेहूं है, जो है, चावल है, उड़द, दूध, दही। और जहां तक वेशभूषा का सवाल है, सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषणों में कर्णफूल, कंठहार, कंगन आदि पहने जाते थे। रथ दौड़, घुड़ दौड़, शिकार और मल्ल युद्ध मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। जैसे आजकल आप मनोरंजन के लिए साधन क्या ढूंढते हैं? सारे दिन फिल्म वगैरह देखते रहते हैं, फेसबुक पे मचकाते रहते हैं सारे दिन, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो ये जैसे मनोरंजन के साधन बन गए हैं, जबकि ये मनोरंजन के नहीं, विनाश के साधन है ये। मनोरंजन के साधन ये होते थे, रथ दौड़, घुड़ दौड़, शिकार, मल्लयुद्ध, तो ये होते थे मनोरंजन। संगीत व नृत्य जो है वो क्या थे? लोकप्रिय थे। तथा प्रमुख वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ, मृदंग आदि प्रचलित थे। तो ये हैं कई भोजन, वेशभूषा और मनोरंजन के बारे में जानकारी है। अब आता है आर्थिक जीवन। अब आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या था? पहला है कृषि और पशुपालन। वैदिक काल में आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। और खेती का काम किससे है? हल बैल से। गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी, गधा और प्रमुख पालतू पशु थे। गाय भी पालते थे, हाथी भी पालते थे, घोड़ा भी पाल लेते थे, भैंस भी पालते थे, हिरण भी पालते थे, भेड़, बकरी, गधा, तो ये सब जानवर पाल लेते थे। गाय को इनमें सबसे क्या माना जाता था? पवित्र, आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। और गायों की संख्या उन्नति का एक पैमाना था। तो मित्रों, उन्नति का पैमाना भी अलग अलग होता है हर समय के अनुसार। वैदिक काल में जिसके पास गायें ज्यादा होती थी, कहते थे इसके पास कितनी गायें हैं? इसके पास 500 गायें हैं, इसके पास 1000 गायें हैं। तो जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी, वो उनमें सबसे ज्यादा उतना ही बड़ा व्यक्ति माना जाता था। अब आता है उद्योग धंधे और व्यापार। उद्योग धंधों में लकड़ी, धातु, वस्त्र, चमड़े के काम प्रमुख थे। ऋग्वेद में भिषक नाम से चिकित्सक का उल्लेख भी मिलता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एक चिकित्सक का उल्लेख मिलता है किस नाम से? भिषक नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यापार का माध्यम जो है वो क्या था? वस्तुओं का लेन देन, यानी वस्तु विनिमय था उस समय। जैसे मान लीजिए किसी के खेत में गेहूं हुआ है और दूसरे के खेत में हुआ है जौ, तो क्या करते थे? ये गेहूं वाला इसको गेहूं दे देगा, जौ वाला इसको जौ दे देगा। तो इसे हम कहते थे वस्तु विनिमय। गाय को मूल्य की इकाई माना जाता था। ऋग्वेद में
निष्क नामक सोने के सिक्के का संकेत मिलता है। और ये कितनी बार ना जाने निष्क का पूछा गया है, तो सोने के सिक्के का जो उल्लेख मिलता है वो निष्क क्या था, सोने का सिक्का। यह न केवल उन्नत धातु विज्ञान की जानकारी का प्रमाण है अपितु यह आधुनिक मुद्रा व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत है। कि जो आधुनिक मुद्रा व्यवस्था है जो आप देखते हैं आज की, तो उसका शुरुआती संकेत कह रहा है कि कौन सा है, तो ये ऋग्वेद में हमें झलक उसकी दिखलाई देती है। दूर देशों, उसके बाद दूर देशों और भारत के बीच जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। वस्त्र उद्योग काफी उन्नत था। वस्त्रों से विदेशी व्यापार होने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। अब आता है धार्मिक जीवन, किस देवी देवताओं को मानते थे, किसकी उपासना करते थे। तो मित्रों यहां जो मेन जो है ये नेचुरल जो पावर होती थी, जैसे इंद्र हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, वृक्ष, धरती, तो इनकी पूजा क्या करते थे। वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति के उपासक थे, या भी आपको मैंने क्या लिखा, नेचुरल जो नेचर पावर है किसके उपासक थे, प्रकृति के, और विभिन्न देवीय शक्तियों की उपासना करते थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और प्रेरणा प्राप्त होती थी उनको उन्होंने अपने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसमें इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण प्रमुख थे। प्रार्थना, स्तुति, यज्ञों द्वारा वे देवताओं को प्रसन्न करते थे। उनका धार्मिक जीवन सरल व आडंबर रहित था, यानी कोई आडंबर नहीं था। वैदिक काल के अंत में उपनिषदों ने ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया। देखिए उपनिषद जो है इसको ज्ञान कांड कहा जाता है। आप जो 108 उपनिषदों की आप चर्चा करते हैं, 108 उपनिषद, और ये इष्केन, कंठ, ये जो कठ, ये जो कई आते हैं, जैसे कठोपनिषद है, यम नचिकेता का स्वाद मिलता है कठोपनिषद में, तो कई उपनिषद हैं मेन, तो ये ज्ञान कांड है। ये ज्ञान की बात करते हैं, कोई उस तरह की बात नहीं करते कि हवन कर दो या आपने कोई अगर पाप किया है तो गंगा में जाके नहा लो, वो चीजें कहलाती है कर्म कांड। तो आपको उपनिषदों में ये कहीं भी चीजें ये नहीं मिलेगी कर्म कांड वाली, उपनिषदों में केवल ज्ञान कांड मिलेगा। और इसके साथ उपनिषदों में दो ही चीज आती है, एक तो है आत्मा और एक है ब्रह्म। ब्रह्म से मतलब यहां ईश्वर, कई जैसे कई समझते हैं ये थोड़ी गहरी चीजें हैं, दर्शन शास्त्र में आ जाता है ब्रह्म, यहां कोई ईश्वर से मतलब नहीं है। ईश्वर की फिर भी हम रूपरेखा एक बना सकते हैं कि ईश्वर ऐसा दिखता है, मायावी शक्तियां है, जैसे ईश्वर के अंदर शक्तियां हैं, ईश्वर धरती को चला रहा है, एक शाश्वत सत्ता है, वो ईश्वर होता है। लेकिन ईश्वर से भी एक अनंत ऐसी सत्ता जिसकी कोई इस तरह से निर्गुण माना गया है, आप उसको पहचान नहीं बता सकते कि ये ब्रह्म है, तो वो है ब्रह्म और ये है आत्मा। तो उपनिषदों में इन दो के बीच में संबंध को दर्शाया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इनमें क्या संबंध है। तो आप जैसे शंकराचार्य आते हैं, तो शंकराचार्य हैं, उन्होंने आत्मा और ब्रह्म को दोनों को एक ही माना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो सबके अलग अलग व्याख्या है। तो उपनिषद जो है मेनली जो है वो ज्ञान कांड माना जाता है। अब आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हमारा जो यहां हमने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता होगी आपकी, और उसके बाद में ये होगी वैदिक सभ्यता। अब विश्व की सभ्यताएं हैं, तो सबसे पहली है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम है इराक। इस प्रदेश को दजला और फरात नदियां सींचती है। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्रसी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्थचंद्र भी कहा गया है। प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था, सुमेर, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग को बाबुल यानी बेबीलोन तथा अकद कहते थे, और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती थी। देखिए कितने ज्ञान की बातें हैं इसमें। तो आज के टाइम में जो इराक है वही समझिए, आप नक्शे में देखिएगा इराक कहां पर है, और इराक का वही जो था पहले कौन था, सद्दाम हुसैन, वही इराक है। तो उस समय जो दजला फरात नदियों के मध्य जो सभ्यता विकसित हुई उसे कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, उसको क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई,
सिंधु नदी के आसपास जो है उस क्षेत्र में। तो उसी प्रकार से मेसोपोटामिया एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो कौन सी दो नदियां? दजला और फरात। इसके बाद में है अर्धचंद्रसी आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण इस स्थल को जो दो नदियों के कौन सा ये जो बीच का स्थल है उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा गया है। और प्राचीन काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता था सुमेर, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र था। और इसके उत्तर पूर्व की तरफ के भाग को हम क्या कहते थे? बेबीलोनिया या बेबीलोन। और उत्तर की ऊंची भूमि को असीरिया कहा जाता था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से आए हुए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में बस गए और उन्होंने एक अत्यंत समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार स्थापित की। उर, लगास, एरेक और एरेडू प्रसिद्ध नगर राज्य थे, सिटी टाइप। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता मानी जाती है। 2500 ईसा पूर्व लगभग सागोन प्रथम ने, जो कि अक्कद से आया था, सुमेरियन लोगों को जीत लिया। सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया, किंतु 2100 ईसा पूर्व के लगभग ये अकादियन लोग भी पराजित हो गए। इसके बाद बाबुल या बेबीलोन में एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर अब इस नए साम्राज्य की राजधानी बन गया। बेबीलोनिया के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हमुराबी, ये बौद्ध नाम आता है हमुराबी का, ने विभिन्न नगर राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर तथा समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है? अब ये तो जैसे मेट्रो हो गया और ये सारा ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें? तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उर, लगास, एरेक और एरिडू ये प्रसिद्ध नगर किससे संबंधित हैं या कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो मेसोपोटामिया सभ्यता। जैसे आपने यहाँ आप जो स्थल नए नए स्थल देखते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, और जैसे जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो ये इस तरह के जो नाम है तो हमारे यहां इस तरह के नाम थे। और मेसोपोटामिया है इराक, तो वहां इस तरह के नाम रखते थे ये। तो ये आपसे पूछ सकता है बेबीलोनिया नगर किससे संबंधित है, सामी राजवंश कहाँ से संबंधित है, या ये शासक का नाम है सागोन प्रथम, तो ये आ सकता है। हमुरामी राजा जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? बेबीलोनिया का। तो ये है मेन मेन पॉइंट इसमें। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके अनंतर मेसोपोटामिया में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य लगभग 1100 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व स्थापित किया। असीरियाई लोगों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद कार्डियाई लोगों ने असीरियाई लोगों को पराजित करके एक दूसरे शक्तिशाली बेबीलोनियन साम्राज्य, जो कि 612 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व का निर्माण किया। तो ये जैसे पहले सुमेरियन सभ्यता है, फिर मेन प्रमुख नगर कौन से हो गए? बेबीलोनियन, बेबीलोनिया, तो इसके नाम से साम्राज्य हो गया। इसके बाद में असीरियाई लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसके बाद कौन से लोग आए? कार्डियाई लोगों ने। जैसे अपने आज यहां पढ़ते हैं आप जैसे कि वैदिक काल के बाद में महाजनपद काल आएगा, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे कि साहब फिर मौर्य साम्राज्य आता है। तो आगे से आगे इस तरह से जैसे अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, तो उसी प्रकार से यहां भी एक के बाद एक ही राजवंश स्थापित होते हैं। उसके बाद है किंतु 539 ईस्वी में उन्हें 539 ईसा पूर्व उन्हें पारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, कोल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे।
कि एक के बाद एक इसमें नए शासक आए, नए राजा आए, और जो जो प्रमुख नगर होते गए उसके नाम से जो है वो सभ्यता जानी गई, और सम्मिलित रूप से इन्हें हम क्या कह देते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद में आता है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहला है हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, कानून, जो उस समय उपलब्ध सबसे प्राचीन विधि संहिता है इस समय की। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची दीवार की शिला पर उत्कीर्ण करवाया था। हम्मुराबी का दंड विषयक सिद्धांत यह था, जैसे को तैसा और खून का बदला खून, यानी टिट फॉर टैट। जो टिट फॉर टैट का जो सिद्धांत था वो था इनका मेन सिद्धांत। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे का हाथ तोड़ दिया तो उस व्यक्ति को भी सजा के तौर पर हाथ उसका तोड़ दिया जाता था, काट दिया जाता था। किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो जिसने आंख फोड़ी उसकी भी क्या की जाएगी, आंख फोड़ी जाएगी। तो ये था जैसे को तैसा, खून का बदला खून। अब आता है मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा व राज परिवार के बाद दूसरा स्थान होता था पुरोहित वर्ग का। यही स्थिति जो है आपको किस में देखने को मिलेगी, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में भी लगभग यही स्थिति है, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, जमींदार व दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति सबसे नीचे थी। लगातार युद्ध होते रहने के कारण समाज में सेना का महत्वपूर्ण स्थान है था। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था है। इसके बाद में आता है आर्थिक जीवन, कृषि और पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। वहां के किसान भूमि की जुताई जो है हलों से करते थे और बीज एक कीप द्वारा बोते थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा ले जाकर बड़े बड़े बांधों में इकट्ठा कर लेते थे। हलों से जुताई जो है वो मवेशी काम में लेते थे, और उनकी नस्ल सुधार के लिए पशुओं का प्रजनन भी किया जाने लगा था। तो कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन से संबंधित। अब आता है व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग में क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहां देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं, एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यहीं सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई में मिली हैं। तो मेसोपोटामिया के मोहर भी यहाँ मिलना, और यहाँ की जो जो वस्तुएं हैं वो मेसोपोटामिया मिलना, यानी ये व्यापार का संकेत है कि आपस में इनमें व्यापार भी होता था। तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट है कि जैसे ये प्रमुख रूप से कैसी सभ्यता थी, व्यावसायिक सभ्यता थी। व्यवसाय से मतलब होता है व्यापार वाणिज्य। सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास भी यही हुआ। अब आता है धार्मिक मान्यता। मेसोपोटामिया के लोग जो है वो अनेक देवता में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना संरक्षक कौन होता था, देवता होता था। उसे जिगुरात कहते थे, अर्थात जिसका अर्थ था स्वर की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर के जिगुरात में 3 मंजिलें थी और उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की अपेक्षा इस लोक के जीवन में अधिक रुचि रखते थे। उनका ध्यान इस लोक के जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित था। उनके पुरोहित भी व्यवसाय में रत रहते थे। तो मित्रों, कहना है कि मुख्य रूप से ये एक व्यावसायिक सभ्यता है। यहाँ उस तरह की बातें नहीं है आत्मा परमात्मा, जैसे कि यहाँ आत्मा जाएगी तो आत्मा के ऊपर ये होगा और आत्मा स्वर्ग में जाएगी, तो ये चीजें यहाँ नहीं है। ये मुख्य रूप से इसी जो धरती है, यही दुनिया है, इसी को ही मानते थे कि यही सब कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अब आता है ज्ञान विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। कौन सा विज्ञान, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफी उन्नति कर ली थी। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का ठीक समय मालूम कर लिया था। उन्होंने दिन और रात्रि के समय का हिसाब लगाकर पूरे दिन को 24 घंटों में बांटा था। 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट के 1 घंटे का विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। रेखा गणित के वृत्त को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित करना प्रारंभ किया था।
इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नत परंपराओं से अवगत थे। अब आता है स्थापत्य कला। मेसोपोटामिया के कलाकारों ने मेहराब का भी आविष्कार किया। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकती थी और देखने में आकर्षक लगती थी। तो दोस्तों, ये मेहराब होता कैसा है तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। मेहराब जो एक जो चाप की स्थिति होती है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, ये जो स्थिति है इसको कहते हैं मेहराब। तो यहां अपने ऊपर जो है ये कहीं अधिक क्षमता रखता है कि ज्यादा से अधिक वजन संभाल सके। जैसे आपने गेट की स्थिति देखी होगी, दरवाजे जो हैं, या जैसे गुफाओं में, मान लीजिए आप कई बार गुफाओं में गए, कहीं मंदिर में वहां गुफा बनी हुई है, तो उनके जो एंट्री गेट है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से होता है। तो ये जो स्थिति है इसको हम कहते हैं मेहराब। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये कहीं अधिक क्षमता रखता है कि अपने ऊपर कहीं अधिक ये भार को वहन कर सकता है, इसको मेहराब कहते हैं। चाप भी इसी को कहते हैं और इंग्लिश में आर्च भी इसी को कहते हैं। तो ये होता है मेहराब। तो आपने कई मंदिरों में, भवनों में, बिल्डिंगों में ये कई जगह इस तरह की स्थिति देखी होगी, ये जो इस तरह की स्थिति है। तो मेहराब हो गया स्थापत्य कला। अब आता है किलाक्षर लिपि, बहुत महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया की पहली लिपि का विकास सुमेर में हुआ, यह भी लाइन महत्वपूर्ण है। सुमेरियन व्यापारियों ने अपना हिसाब किताब रखने के लिए किल्ली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया। इसे कुनिफॉर्म या किलाक्षर कहते हैं। तो किल्ली तरह से जो चिन्ह होते हैं, किल्ली टाइप, उस तरह की इनकी जो ये लिपि है। तो पहली लिपि का विकास होता है सुमेरियन में, सुमेर, और ये अपने हिसाब किताब रखने के लिए जो सुमेरियन व्यापारी वगैरह थे वो किल्ली जैसी लिपि का इस तरह का प्रयोग करते थे लिखने के लिए। तो इसे हम कहते हैं कुनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैन मैन फैक्ट। जैसे स्थापत्य कला में आप मेहराब का लिख सकते हैं, और क्वेश्चन ये जैसे लिपि से संबंधित क्या पूछ सकता है कि जो किलाक्षर लिपि है उसका संबंध किस सभ्यता से है, तो वह है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम मिस्र की सभ्यता और भी आगे पढ़ेंगे। तो एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादा बड़ा वीडियो होता है तो विद्यार्थी 25, 30, 35 मिनट बाद में फिर वो बोर होने लग जाता है कि ये तो चैप्टर पूरा ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें 30, 35 मिनट के आसपास का वीडियो रहे, ताकि आपका फटाफट जो है वो हो भी जाए, पूरा भी हो जाए कंप्लीट, और कोई भी जैसे टॉपिक हो जो पूरा कंप्लीट हो जाए अपने आप में टॉपिक, और आप उसको लिख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।